जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एसोसिएट टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूं बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी उनके लिए बेहद खास है जिनके नाम का पहला अक्षर एल से शुरू होता है। जी हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के एल लेटर से। इस राशिफल में यानी मैं आपको बताऊंगी कि साल 2022 कैसा रहेगा, पूरा राशिफल होगा। तो इस राशिफल में आप अपने निजी और पेशेवर जीवन के बारे में जानकारी पाएंगे। साथ ही आप ये भी जानेंगे किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण साल 2022 में हो सकता है, आपकी निजी जिंदगी में किस प्रकार के बदलाव आ सकते हैं, यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो उनके साथ किस प्रकार के संबंध रहेंगे, यदि विवाहित हैं तो आपका और आपके जीवन साथी का कैसा संबंध रहेगा, कब उसमें उतार चढ़ाव आएंगे और कब आपके लिए समय अच्छा होगा। इसके अलावा आप यह भी जान सकते हैं कि आपकी नौकरी और व्यापार के लिए कैसी स्थितियाँ इस साल निर्मित होने वाली हैं, आपका स्वास्थ्य किस ओर करवट लेगा और विद्यार्थियों को शिक्षा के संदर्भ में किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, आपके साथ चर्चा करूंगी और बताऊंगी आपको कि आपके लिए कैसा है साल 2022 हर एंगल से। तो ये तो हमने इस वीडियो में एल नाम वालों के बारे में बात करेंगे, बाकी सभी अक्षर वालों के लिए जो है हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम में से बहुत सारे आप में से लोगों को अपनी वास्तविक जन्म तिथि नहीं पता होती है, जिसकी वजह से वो अपने नाम के पहले अक्षर के आधार पर अपना राशिफल देखते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए ही हम ये राशिफल हर साल लाते हैं और आपको ये बहुत पसंद भी आता है। तो पहले तो आप जो इतना प्यार देते हैं हमारे इस राशिफल को, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। और अगर आप बाकी सारे लेटर्स से जुड़ा हुआ राशिफल देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर तो आपको मिल ही जाएगा। साथ ही जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो जो भी ऐसी वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लेटर राशिफल का आपको लिंक डाल दूंगी, जहाँ से आप किसी भी लेटर के बारे में जानकारी पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एल नाम वालों के बारे में। तो चांडले न्यूमरोलॉजी के आधार पर एल जो लेटर है अंक तीन के अंतर्गत आता है। और हम सभी जानते हैं कि अंक शास्त्र में तीन देवगुरु बृहस्पति का अंक होता है, अर्थात इस अंक पर देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा होती है। यदि ज्योतिष की बात करें तो यह अक्षर मेष राशि के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी ग्रह मंगल देवता है। इसका मतलब ये हुआ कि एल लेटर वाले लोगों के लिए साल 2022 में बृहस्पति और मंगल की जो है वजह से विभिन्न प्रकार की स्थितियों का निर्माण होगा और विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। तो अब आपको एक एक करके बताते हैं, करियर व्यवसाय से शुरुआत करेंगे, उसके बाद आर्थिक पारिवारिक प्रेम जीवन सब पर चर्चा करेंगे। तो पहले करियर और व्यवसाय वालों की बात कर लेते हैं। करियर के दृष्टिकोण से साल 2022 आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। ग्रहों की कृपा से आपको अपनी योजनाओं में सफलता मिलेगी, जिससे आप अपने करियर में अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाने में सफल हो सकते हैं। आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना होगा और जब आपको सही जिम्मेदारी दी जाए तो उसे सही तरीके से पालन करें, क्योंकि आप इसमें सक्षम हैं। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर काम करेंगे तो इस वर्ष उत्तम सफलता अर्जित कर पाएंगे। नौकरी करने वालों के लिए यह वर्ष पूर्वार्ध में तो कुछ मेहनत का भरा रहेगा और ज़्यादा मेहनत के बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि उनको उसका फल नहीं मिल रहा, लेकिन यही मेहनत वर्ष के मध्य से लेकर वर्ष के उत्तरार्ध तक उनकी मदद करेगी और उनको नौकरी में अच्छी स्थिति प्रदान करेगी। वर्ष के मध्य में अर्थात जून से अगस्त के बीच पदोन्नति प्राप्त होने के योग बनेंगे और आपने जो अब तक मेहनत की है उसके फल के रूप में आपकी तनख्वाह में वृद्धि हो सकती है। उसके बाद का समय थोड़ा सा ऐसा समय रहेगा जिसमें आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने काम को पूजा मानकर करें, यानी कि ज़्यादा आत्मविश्वास का शिकार ना हो और मेहनत पर ध्यान दें, क्योंकि आप खुद की गलती की वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमज़ोर रहेगी, आपको अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को संभल कर जो है लेकर चलना होगा। प्रशासन से कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फरवरी से अप्रैल के बीच का समय अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाहर से भी मदद मिल सकती है। मई से अगस्त के बीच का समय कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा, उन चुनौतियों को आप अपनी कार्यकुशलता से दूर करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि अगस्त के बाद से आपके व्यापार में अच्छी तेज़ी दिखाई देने लगेगी और इससे आप काफ़ी खुश हो जाएंगे और आप और अधिक जोश के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे वर्ष के उत्तरार्ध में व्यापार में वृद्धि होगी। तो ये बात की हमने व्यवसाय और करियर की। चलिए अब जानते हैं मैरिड लोगों के लिए कैसा है जो है साल 2022 एल नाम वालों के लिए। तो विवाहित लोगों की बात कर ले तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के बीच तनाव देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्याएं और आपकी स्वयं की स्वास्थ्य समस्याएं रिश्ते में तनाव की वजह बन सकती हैं। आपके रिश्ते में थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है और जीवन साथी से कहा सुनी होने के कारण ससुराल पक्ष के लोगों से ही संबंध बिगड़ने का खतरा है। उसने आपको थोड़ा उसमें जो है सावधानी से चलते हुए वर्ष के पूर्वार्ध यानी कि अप्रैल तक के समय को आसानी से व्यतीत कर लेना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे निराशा के बादल छटने लगेंगे और आपके संबंध सामान्य होने लगेंगे। आपको चाहिए कि आप उन्हें कहीं घुमाने लेकर जाएं, जिससे आप दोनों को अकेले में समय बिताने का मौका मिले और पारिवारिक तनाव से दूर आप एक अच्छे से एक दूसरे के साथ पेश आएँ।
इसके परिणाम स्वरूप आपका रिश्ता मजबूत हो सके। वर्ष का उत्तरार्ध आपके रिश्ते के लिए अनुकूल रहेगा। आपके रिश्ते में समस्याएं आ रही हैं, उनमें धीरे धीरे कमी आएगी और आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा और एक दूसरे पर समर्पण की भावना के साथ विश्वास करेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए वर्ष का पूर्वार्ध अत्यंत अनुकूल है। इस समय में आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए में सफलता मिल सकती है। जिन लोगों को पहले से ही संतान की प्राप्ति हो चुकी है उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान में संस्कारों का विकास होगा और वह आज्ञाकारी बनेगी, जिससे आप फूले नहीं समाएंगे। अब जानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा है एलनाम वालों के लिए साल 2022। तो विद्यार्थियों की बात की जाए तो वर्ष का पूर्वार्ध आपकी मन चाहे मुराद पूरी करेगा। आप खुद ही मन करेगा आपका कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप कई प्रयास करेंगे। संभव है कि आप एक टाइम टेबल भी बनाएं, इसी मार्गदर्शक की सलाह भी आपको मिल सकती है या आपके कोई टीचर आपको सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई सही दिशा में आगे बढ़ेगी और वर्ष का पूर्वार्ध बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। आपका स्वयं पर विश्वास बढ़ेगा जो आपको पढ़ाई में मदद करेगा। वर्ष के उत्तरार्ध में स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन वर्ष के पूर्वार्ध में आप जो मेहनत करेंगे वही आगे बढ़ने में भी आपको उत्तरार्ध में भी मदद करेगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जो बच्चे हैं उनके लिए वर्ष का उत्तरार्ध ठीक ठाक रहेगा। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच आपको अपने किसी एग्जाम में पास होने का शुभ समाचार मिल सकता है। वर्ष का उत्तरार्ध ही उन विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूल रहेगा जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। यह वर्ष में आगे बढ़ने में हर संभव मदद करेगा और वे पढ़ाई के सिलसिले में दूर की यात्राएं भी कर सकते हैं। अब जानते हैं प्रेमियों के लिए कैसा रहेगा साल 2022 एल नाम वालों के लिए। तो प्रेम जीवन की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगी। आपका प्रेम पुष्पित और पल्लवित होगा और एक दूसरे के दिल में जगह बनाएगा। आप अपने वर्तमान रिश्ते को मजबूती के साथ आगे लेकर जाएंगे और एक दूसरे के साथ अपना भविष्य बिताने की सुंदर योजना भी बनाएंगे। यदि इस संदर्भ में आप कोई पहल करना चाहते हैं तो अर्थात अपने प्रियतम को मना कर उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो इसके लिए वर्ष का पूर्वार्ध विशेषकर जनवरी से अप्रैल के बीच का समय अत्यंत अनुकूल रहेगा और इस दौरान प्रयास करने से आपको सफलता मिल सकती है और इसी वर्ष आप विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं। जो लोग अभी तक अकेले हैं उन्हें भी किसी व्यक्ति का साथ मिल सकता है जो उनके जीवन में किसी खास की जगह को पूरा करेगा। कुंवारे लोगों को भी इस वर्ष शादी की शुभ जो है का शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। इस प्रकार कहा जाए तो प्रेम संबंधी मामलों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। अप्रैल के बाद से आपके रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपके प्रियतम का व्यवहार थोड़ा सा बदल सकता है जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन यदि ऐसी स्थिति आती है तो आपको उनसे स्वयं ही बात करनी चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। वर्ष के उत्तरार्ध में अपने प्रियतम से गलत बोलने से बचें क्योंकि इसके बाद विवाद बढ़ सकता है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष आपको बहुत कुछ प्रदान करके जाएगा। वर्ष की शुरुआत में आपको एक तरफ तो धन की प्राप्ति होगी और आपकी आमदनी में वृद्धि दिखाई देगी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अप्रत्याशित खर्च भी होंगे जो आपके बजट को बिगाड़ कर रख सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर भी वर्ष की शुरुआत में खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी देर के लिए डगमगा सकती है, लेकिन अपने धैर्य को बनाए रखकर आप सही स्थिति के अनुसार धन खर्च करने की आदत डालें। अप्रैल में से आपको धार्मिक क्रियाकलापों में खर्च करना पड़ेगा और घर में पूजा पाठ या कोई शुभ कार्य पर खर्च करने का मौका मिलेगा। आपके लिए आवश्यक होगा कि आप अपने आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचत के रूप में भी सुरक्षित करें, क्योंकि वर्ष के उत्तरार्ध में आवश्यकता पड़ सकती है। आपको लंबी यात्राओं और विदेशी माध्यमों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका धन अच्छे तरीके से आएगा कहीं से, इसीलिए आप उसका अच्छा सदुपयोग करें। मई से लेकर सितंबर के बीच आपके पास ऐसा अवसर आ सकता है जिसमें आपको कोई संपत्ति खरीदने का मौका मिले और इस दौरान खरीदी गई संपत्ति आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी, जिसके बल पर आप आगे और भी संपत्ति खरीद पाएंगे। इसीलिए इस समय को हाथ से जाने ना दें। वर्ष के अंतिम महीनों में आपके खर्चों को ध्यान रखते हुए आपको अपनी बचत का प्रयोग करना पड़ सकता है। अब जानते हैं हेल्थ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा है एल नाम वालों के लिए साल 2022 में। तो ज़्यादा अनुकूल नहीं है स्थितियाँ शुरुआत में। इस दौरान आप किसी रोग का शिकार हो सकते हैं, विशेष रूप से किसी प्रकार के फोड़े फुंसी, रक्त संबंधी अशुद्धियाँ, अनियमित रक्तचाप की समस्या, किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा या फिर चोट लगने की संभावना बन सकती है। मार्च के बाद से स्थिति में सुधार होगा और आपकी सेहत भी धीरे धीरे सही रास्ते पर लौटने लगेगी और आप इसी तरह जीवन यापन करेंगे। आपको नियमित रूप से योगाभ्यास करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी शारीरिक क्षमता की वृद्धि होगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी आप प्रकार बढ़ा सकते हैं। अगस्त से नवंबर के बीच का समय आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि इस दौरान आपकी लापरवाही आपको बीमार बना सकती है।
दिसंबर का महीना अच्छी स्वास्थ्य अवस्था प्रदान करेगा और आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो ये तो हमने जाना एल नाम वालों के लिए ओवरऑल कैसा है साल 2022। अब उपाय बता देते हैं कुछ। तो आपको बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए और पीपल और केले के वृक्ष को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी, और अगर नहीं होती हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बाकी ये तो बात हो गई साल 2022 के बारे में, और भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड हो रही हैं हर अक्षर वाले के लिए कैसा रहेगा साल 2022, राशि वालों के लिए अंक ज्योतिष के आधार पर, वास्तु के आधार पर, हर तरीके से आपको बताएंगे कि आने वाला साल कैसा रहेगा आप सभी के लिए। बाकी अगर आप अपना दैनिक राशिफल जानना चाहते हैं, यानी हर दिन आपका कैसा बीतेगा ये जानना चाहते हैं, दिन को शुभ कैसे बनाया जाए ये जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ हर शाम 5 बजे दैनिक राशिफल का वीडियो। आप वहाँ आसानी से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं आप वहाँ पे। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हो गई, उम्मीद यही करेंगे, प्रभु से कामना यही करेंगे कि आपका जो साल 2022 है बहुत अच्छा बीते, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।